मैं जो यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल का जो यूट्यूब कोर्स को लॉन्च किया हूँ उसके अंदर यूट्यूब के अंदर आप अपने नीच को ढूंढने से लेकर यूट्यूब के अंदर से आप अपने चैनल को मोनेटाइज करके जो पैसे को अर्न करोगे उसे अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने तक का ए टू जेड सब कुछ प्रोसेस मैंने आपको इस कोर्स के अंदर बताया है। इसी कोर्स की बहुत सारा वीडियो के अंदर काफी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि हम लोगों ने तो यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बना भी लिया है और अपने हिसाब से एक नीच को भी डिसाइड कर लिया है, लेकिन उस नीच से रिलेटेड कुछ वीडियो को बनाने के बाद अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने कॉन्टेंट के हिसाब से अपने नीच के हिसाब से और टॉपिक को कैसे फाइंड करें जो टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने से हमारे चैनल के अंदर ज्यादा से ज्यादा व्यू होने की संभावना बढ़ेगा, यानी कि हमारे नीच के हिसाब से और टॉपिक हम लोग कहाँ से लेकर आए। इस तरह का कमेंट काफी सारे लोगों ने किया है। अगर यही सवाल आपके भी मन में चल रहा है और आप अपने चैनल के हिसाब से अपने कंटेंट के हिसाब से अपने नीच के हिसाब से आप वायरल टॉपिक को ढूंढना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बगैर लास्ट तक देखते रहिए। ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देख लोगे तो, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंदर ऐसे काफी सारे प्रोसेस बताऊंगा जिसे आप फॉलो करके आपकी चैनल की रिगार्डिंग आपकी चैनल के हिसाब से आपने नीच के हिसाब से आप काफी सारे वायरल ट्रेंडिंग टॉपिक को ढूंढ सकते हो जिसके ऊपर आप वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो के ऊपर अच्छा खासा व्यू आने की संभावना बढ़ता है। हो सकता है आपकी जो वीडियो है वो वायरल भी हो जाए और आपके चैनल की जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की वॉच टाइम की जो टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो को आप अगर लास्ट तक देख लोगे तो आपके पास आपके नीच के हिसाब से इतना टॉपिक मिल जाएगा, इतना वायरल इतना ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाएगा जिसके ऊपर आप अकेले वीडियो नहीं बना सकते हो, इतना ज्यादा टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट है रिक्वेस्ट योर व्यूअर, इसका मतलब है आप कारेंटली जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हो उस वीडियो को बनाने के टाइम उस वीडियो की लास्ट पे बस आप इतना बोल दीजिएगा अपने व्यूअर को कि आने वाले टाइम पे आप जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो या फिर आपके पास ऐसा कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन आप इस चैनल के माध्यम से देखना चाहते हो तो आप अपनी जो टॉपिक है वो आप नीचे कॉमेंट से कॉल करके बोल सकते हो, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा बहुत जल्द। इस तरह से बोल सकते हो जिससे अगर आपकी कोई भी व्यूअर को कोई भी प्रॉब्लम होगा या फिर आपके चैनल के ऊपर कोई भी ऐसे टॉपिक के बारे में कोई भी व्यूअर देखना चाहता है, इस तरह से कोई भी एक भी व्यूअर आपकी कोई भी एक वीडियो के ऊपर कमेंट करता है तो आपको कोशिश करना है उस टॉपिक के ऊपर सही तरीके से रिसर्च करके उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्द बनाने का। इस तरह से आप अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाओगे तो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यू आने की संभावना बढ़ता है, क्योंकि वो जो व्यूअर्स है वो यूट्यूब के ऊपर पहले इस टॉपिक के ऊपर सर्च करके देखा है लेकिन उसे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ऐसा सही जानकारी नहीं मिला है जिसकी वजह से वो आपकी वीडियो के ऊपर कॉमेंट किया है। तो इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओगे तो वो जो व्यूअर्स है वो तो सबसे पहले आपकी वीडियो को देखेगा ही, साथ ही में और भी जितना सारा व्यूअर्स है जो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो देख रहा है लेकिन सही नॉलेज उस टॉपिक के ऊपर नहीं मिला है वो आपकी वीडियो के ऊपर देखने के लिए आ जाएगा यूट्यूब की सर्च बॉक्स पे सर्च करके। और इसके अलावा अगर आपके चैनल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं तो उस टाइम पे आपके चैनल की जो कम्युनिटी टैब आपको मिला है वहाँ पे जाके आप पोल डाल सकते हो, कोई भी ऐसे सवाल कर सकते हो। अगर आपने वहाँ पे पोल डाला है तो उस पोल के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा वोट मिलेगा उस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना सकते हो जिसकी वजह से आपके चैनल की जो लेटेस्ट वीडियो होगा पहले टाइम पे ज़्यादा व्यू देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट कर सकते हो आपकी अपकमिंग वीडियो के लिए, तो यहाँ से भी आपको बहुत सारा टॉपिक मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है यूट्यूब की सर्च बॉक्स। आप यूट्यूब की सर्च बॉक्स पे जाके सर्च करके देख सकते हो इस टाइम पे कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर व्यूअर्स जो है सर्च कर रहा है या फिर कौन सा ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वीडियो देखने को नहीं मिला है। ऐसा कोई भी टॉपिक मिल जाता है जिस टॉपिक के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं है, फिर एक दो वीडियो है और आप उस वीडियो को ओपन करके भी देख सकते हो कि उन लोगों ने उन क्रिएटर ने उस वीडियो के अंदर कौन सा ऐसा नॉलेज दिया है। अगर आपको वहाँ पर लगता है कि आप उनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से नॉलेज अपने व्यूअर के पास शेयर कर सकते हो तो आप उस टॉपिक को पकड़ लीजिए और उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आप सही तरीके से अपने चैनल के ऊपर पोस्ट कर दीजिए तो आपकी उस वीडियो के ऊपर भी सही तरीके से व्यू आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है यूट्यूब की रिसर्च बॉक्स। हाल ही में कुछ टाइम पहले यूट्यूब की तरफ से हर एक क्रिएटर को एक ऑप्शन दिया गया है रिसर्च बॉक्स। आप इसके ऊपर जाके आप काफ़ी आसान से आपके दिमाग में कोई भी ऐसा टॉपिक है तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कीवर्ड को आप वहाँ पर डाल के देख सकते हो, उस कीवर्ड की कितना सर्च है, उस कीवर्ड की जो कंपटीशन है वो लो है कि हाई है कि मीडियम है वो आप वहाँ पर देख सकते हो। अगर आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसकी उस कीवर्ड की जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा लो है तो आप उस टॉपिक को पकड़ के आप वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आने की संभावना बढ़ेगा। और वहाँ पर यूट्यूब खुद आपको सजेस्ट करता है ऐसा कुछ कीवर्ड जिस कीवर्ड के ऊपर आप वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आने की संभावना बढ़ेगा, ऐसा भी कुछ कीवर्ड यूट्यूब आपको वहाँ पे सजेस्ट करता है।
तो आप वहां से भी आप अपनी अपकमिंग वीडियो की जो टॉपिक है आप वहां से भी ढूंढ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है ट्विटर की ट्रेंडिंग पेज। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो तो आपके ट्विटर के अंदर एक अकाउंट होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। आपके चैनल के साथ कोई भी ऐसा दिक्कत हो जाता है तो उस टाइम पे भी आप सीधे यूट्यूब की जो ट्विटर अकाउंट है उन लोगों के साथ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपकी जो चैनल की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपकी ट्विटर अकाउंट है तो आप ट्विटर की जो ट्रेंडिंग पेज है वहां पे जाके आप देखना कि कौन सा ऐसा हैशटैग है जो उस टाइम पे करेंटली रैंक कर रहा है। आपको सिंपल उसी हैशटैग से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना है, रिसर्च करके आपके चैनल के ऊपर वीडियो बनाना है। अगर आप ट्विटर की जो ट्रेंडिंग हैशटैग है उसके ऊपर काम करते हो सही तरीके से तो आपकी वीडियो के ऊपर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से भी आप अपनी चैनल की जो अपकमिंग वीडियो है उसका टॉपिक आप बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके चैनल के रिलेटेड टॉपिक ढूंढने में, वो है मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन और ऑफलाइन न्यूज़पेपर। जी हाँ, आज की डेट पे ज्यादातर जो न्यूज़पेपर है वो ऑनलाइन पे आ गया है। तो आपको सिंपल से गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाके हो या फिर आपकी जो गूगल एप्लीकेशन है या फिर आपकी कोई भी ऐसे ब्राउजर को ओपन करके जो पॉपुलर न्यूज़पेपर है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। और वहाँ से आप डेली अपनी चैनल की अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसे आप ढूंढ सकते हो और उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करके आप उसके ऊपर वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो की ऊपर अच्छा खासा रिस्पॉन्स देने को मिलेगा। और न्यूज़पेपर को एक्सेस करने के लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरीके को आप यूज कर सकते हो। न्यूज़पेपर को एक्सेस करना सीख जाते हो तो आपकी जनरल नॉलेज बढ़ने के साथ साथ आपकी जो अपकमिंग वीडियो होगा उसका जो टॉपिक होगा वो भी आप काफी आसानी से हर रोज आप न्यूज़पेपर से ढूंढ सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपकी कैटेगरी के रिलेटेड जो आपके कॉम्पिटिटर चैनल है उनकी लेटेस्ट एक दो वीडियो के अंदर आपको हर रोज चेक करना है कि वहाँ पे कौन सा ऐसा व्यूअर है जो कोई भी ऐसा सवाल किया है लेकिन वो जो क्रिएटर है आपकी कॉम्पिटिटर जो चैनल है वो जो क्रिएटर है वो उस कॉमेंट की रिप्लाई नहीं किया है। आपको सिंपल सा जो करना पड़ेगा आपको उस कमेंट को सबसे पहले उठाना है, उसके ऊपर एक सही तरीके से अच्छे तरीके से वीडियो बनाना है। वीडियो बनाने के बाद उस कमेंट के अंदर जाके आपको बोल देना है कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसका जवाब चाहिए तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो। बस इतना बोल देना है तो वो सीधे आपके चैनल के ऊपर विजिट करेगा। आप गलती से भी वहाँ पे आपकी वीडियो की जो लिंक है वो प्रोवाइड मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी जो वो कमेंट है वो स्पैमिंग कमेंट हो जाएगा। आपने जिसको रिप्लाई किया है उसके पास वो कमेंट नहीं जाएगा। इसकी वजह से बस आप उतना ही बोल के आप कमेंट कर दीजिएगा, वो जो व्यूअर है वो खुद आपके चैनल के ऊपर आएगा और आपकी उस वीडियो को देख लेगा। तो इस तरह से भी आप अपने चैनल के ऊपर अपकमिंग वीडियो की जो टॉपिक है वो आप ढूंढ सकते हो। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूट्यूब की जो YT स्टूडियो एप्लीकेशन है वो है। आपको वहां पे भी ऐसा बहुत सारा ऐसे टॉपिक मिल जाएगा जिसकी वजह से आपके चैनल के ऊपर अपकमिंग कौन सी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओगे उसके ऊपर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास ऐसे हजारों टॉपिक आ जाएगा। आपको सिंपल से आपकी जो YT स्टूडियो एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है, उसके बाद वहाँ पे जो ऑडियंस सेक्शन है उसके ऊपर आना है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाए अदर वीडियो दैट योर ऑडियंस वॉच। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ टॉपिक ऐसा कुछ वीडियो दिखाया जाएगा जिससे आपकी जो ऑडियंस है जो आपके व्यूअर्स है वो अदर चैनल के ऊपर जाके इस तरह का वीडियो को देखते हैं। तो आपको सिंपल से जो करना पड़ेगा यहाँ पे जो वीडियो आपको दिखाया जाएगा इन सभी टॉपिक की पर एक बार चाहो तो देख भी सकते हो या फिर इन सभी टॉपिक के बारे में आपको पहले से नॉलेज है तो आप इसकी पर अच्छी तरीके से वीडियो बना के आपके चैनल के ऊपर डाल दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपके चैनल की जो बाकी व्यूअर्स होगा जो आपकी इस टॉपिक की पर वीडियो देखने के लिए इंटरेस्ट रहेगा वो सीधे आपकी वीडियो की आपकी चैनल की आपकी वीडियो की देखेगा। दूसरा जो चैनल के ऊपर जाके इस तरह का वीडियो को देखते हैं वो देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि उसे जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं आपके व्यूअर्स वो सारे के सारे टॉपिक आपके चैनल के ऊपर उन्हें मिल जाएगा। और इन्हीं के नीचे आपको और एक ऑप्शन मिलेगा अदर चैनल दैट्स योर ऑडियंस वॉच। और यहाँ पे आपको कुछ ऐसा चैनल दिखाया जाएगा जिस चैनल को आपके जो व्यूअर्स है वो उन सभी चैनल की भी वीडियो को देखते हैं। तो यहीं पे आप देखना आप जिन जिन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हो उनमें से यहाँ पे जो चैनल आपको दिखाया जाता है कौन सा ऐसा चैनल है जो उन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाते हैं और उन्हीं सब चैनल को आप अपने चैनल की कॉम्पिटिटर चैनल मान सकते हो और उन सभी चैनल के नाम को आप कहीं पे भी नोट करके रख सकते हो। और इनमें से जो चैनल काफी ज्यादा पॉपुलर है वो लोग जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे करेंटली आप भी कोशिश करना उनसे अच्छे तरीके से आप उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपने चैनल के ऊपर पोस्ट करो। इससे ये होगा आपकी वीडियो के ऊपर भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है या फिर मोबाइल फोन भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो ऐसे एप्लीकेशन कह लो या फिर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो उसी जैसे भी दो ऐसे एक्सटेंशन कह लो जो है ट्यूबबॉडी और वीडियो इसे आप अपने चैनल के साथ लिंक करके रखते हो तो यहाँ से भी आपको काफी सारे ऐसे डेली ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में सजेस्ट किया जाएगा। आप उसके ऊपर भी वीडियो बना के आप अपने चैनल के ऊपर अच्छा खासा व्यू लेकर आ सकते हो। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है वो है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड बोल के एक वेबसाइट है जो गूगल की तरफ से बनाया गया है
आप वहां से भी पता कर सकते हो कि आज की डेट पे पिछले एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में कौन सा ऐसे टॉपिक है जो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। अगर आप भी वहां पे जाके उन सभी टॉपिक को सही तरीके से एक बार रिसर्च करके, आप उन सभी कीवर्ड पर निकल के उन सभी टॉपिक की ऊपर सही तरीके से रिसर्च करके वीडियो बनाते हो, तो आपके चैनल की ऊपर भी आपका जो वीडियो होगा उसके ऊपर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। और इन 9 टॉपिक को आप कम से कम हफ्ते में एक बार भी फॉलो करते हो तो आपके पास अपकमिंग आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ इस तरह का कोई भी टेंशन आपके पास नहीं रहेगा। आपके पास हर रोज हजारों ऐसे टॉपिक आ जाएगा जहाँ पे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपने चैनल के ऊपर वीडियो बना सकते हो और उसके ऊपर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आप लेकर आ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको मालूम नहीं था कि आप अपने चैनल के हिसाब से, अपने नीच के हिसाब से टॉपिक कहाँ से लेकर आ सकते हो, इस वीडियो को देखने के बाद आने वाला टाइम पे आपको आपकी चैनल के लिए टॉपिक ढूंढने के लिए आपको किसी की वीडियो के नीचे के जाके कमेंट नहीं करना पड़ेगा, ना आपके पास कभी भी आपकी नीच के हिसाब से जो टॉपिक है वो आपको ना कमी दिखाई देगा। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला है तो आप इस वीडियो के लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर नए नए वीडियो बनाने के लिए। और आप यूट्यूब को लेकर सीरियस हो तो मैं जो यूट्यूब की बेसिक टू एडवांस लेवल का जो कोर्स को लॉन्च करके रखा है आप उस कोर्स को टाइम निकल के एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप उस कोर्स को एक बार कंप्लीट कर लेते हो तो आप काफ़ी आसानी से यूट्यूब की ऊपर ग्रो कर सकते हो और आप यूट्यूब की ऊपर से नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ हासिल कर सकते हो। आपको यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ यूट्यूब कोर्स की जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप अपने टाइम की तरफ से उस कोर्स को एक बार कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सके ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।